1 minute. I have to look good. The top contours? Yeah, have you got the club behind you? I have. There. No, there's the club. Come this side. Oh, there's the club. Yeah. Okay, they do this side. Okay. And mention the club. These are the big wigs, huh? These two big wigs. Thank you. You want to talk about your... No. Come. Thank you. Come. Shifting. Is your something back? Y'all go ahead. Girls, come. She's a little shy. Okay, so dance ki fitness kya kuch ka matlab hota hai aap ko fit rakhne ke liye kya daily routine karte hain dekhiye fitness sirf mere khayal se gym jaane se nahi hoti तो फिटनेस का जो बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है एंड अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले फिटनेस जो है वो मेंटल लेवल पे बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज अगर आप मेंटली फिट हैं तो वो एज अ रिज़ल्ट फिज़िकल हेल्थ में आपको मिलती है और अगर आपकी सोच अच्छी है टू बिगिन विद पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड एंड इन योर हेड आपके थाट्स बहुत ज़रूरी हैं और इसके अलावा टू बैक दिस होल थिंग अप यू नीड टू ईट राइट यू नीड टू स्लीप राइट एंड यू नीड टू वर्कआउट राइट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो ऑल दीज 3-4 थिंग्स कंबाइंड विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट फिटनेस रिजल्ट्स पॉसिबल इन योर लाइफ चिल्ड्रंस डे की मेमोरीज़ इन पर्टिकुलर तो कुछ नहीं लेकिन अपने बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम लोग आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन फ्रॉम अ स्मॉलर फैमिली एंड यू नो इन दोज टिपिकल मिडिल क्लास हाउसेज वेर यू हैव अ वेरी क्लोज निट फैमिली तो द बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग भाइयों से बहनों से कज़न से बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है तो जितनी भी यादें जुड़ी हुई हैं अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ या दोस्तों के साथ वो बहुत बहुत याद आती हैं और हम लोग उनको बहुत बार दोहराते भी हैं अपनी बातों में बातचीत में एंड वी रिमेंबर आर चाइल्डहुड विद सम रियली रियली ग्रेट मेमोरीज यू नो ऑफ आर चाइल्डहुड और उनको सोच के हमको और भी ज़्यादा मज़ा आता है अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में बच्चों का जो बचपना है वो बहुत जल्दी चला जाता है हम लोग के टाइम में हमारा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था हमने उसको बहुत इन्जॉय किया वी डिडंट हैव मोबाइल फ़ोन्स वी डिडंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटडोर जो बच्चों के लिए जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बहुत इन्जॉय किया बहुत सारी शैतानियाँ करी और बहुत सारे किस्से बनाए तो वो सब हम लोग को बहुत अक्सर याद आता थैंक यू सो मच थैंक
Mainly fitness is like me time, and I work out every day because I love to be fit for myself, not for anyone, because I feel fitness is everybody's choice. But being healthy, after seeing my dad, I feel it's a blessing for everyone to be healthy. ऑफ कोर्स मॉम जब आती है तो ऐसे नहीं कि मैं डाइट करती हूँ, जो खिलाती है खिलाती आई ईट, बट आई वर्कआउट वेरी वेल. जैसे आई नो एवरीबडी डजंट नो बिकॉज मैं सब कुछ नहीं दिखाती हूँ मेरी इंस्टा में, बट आई डू अ लॉट ऑफ जिमनास्टिक एंड योगा. Of course, 2020 should be very lucky for me. So right now I'm doing casting for my film. So two of my scripts are ready. So I'm working on my scripts. I'm in on my casting now. Yeah. फिटनेस का राज ये है. आई थिंक इट्स मोर देन जस्ट फिटनेस. डाइट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मैं ट्राई करती हूँ एक घंटे, लाइक वन आवर एवरी डे, बट व्हेन यू हैव बिजी शूटिंग स्केड्यूल्स, बट आई थिंक इट्स अ मस्ट फॉर एवरीबडी. I think it's important for us to celebrate every day. So for me, you know, whether it's any special day, I think every day is very special. And of course, we have a Children's Day to celebrate the children in us and the child in us that we need to keep alive anyway throughout. अभी तक खत्म नहीं हुआ है. So I'm looking forward because I have a lot of stuff on my plate. I hosted Nach with Manish. It was a fabulous experience of 4 months. Star became a family, and it was an amazing experience. Thank you very much. Sure.
फिटनेस मंत्रा ये है कि आई बिलीव कि फिटनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ. किसी रीज़न की वजह से या किसी के बर्डन या प्रेशर की वजह से किसी को जिम नहीं जाना चाहिए. इसलिए जाना चाहिए बिकॉज दे वॉन्ट टू, बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी. हम अपने घर का ध्यान रखते हैं. द ओनली प्लेस दैट वी लिव इन आई फील इज आर बॉडी एंड वी नीड टू ट्रीट इट राइट. बिकॉज आप उसके अंदर जो डालोगे, हाउ यू ट्रीट इट टुडे इज हाउ इट विल ट्रीट यू 20 ईयर्स 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो फॉर मी इट्स अ वे ऑफ लाइफ. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ग्लोबल स्पा का जो कवर है अभी लॉन्च होने वाला है मेरा कवर. सो आई एम हियर टू लॉन्च द कवर एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग एन अवार्ड. सो फिट एंड फैब अवार्ड विच आई एम रियली रियली हैप्पी टू गेट. अच्छा, मुझे 15 तारीख को पता चलेगा रिस्पॉन्स. See, it's nice that people are appreciating the songs. गाने बहुत अच्छे हिट हुए हैं. ट्रेलर को भी काफ़ी लाइक्स मिले हैं. एंड आई थिंक फॉर अस इट्स ऑल गोना डिपेंड ऑन हाउ पीपल लाइक द फिल्म ऑन 15. सो वेटिंग फॉर 15. यस, स्कूल में बहुत मज़ा आता था चिल्ड्रंस डे की. आई थिंक द लास्ट मेमोरी आई हैव इज यू नो सेलिब्रेटिंग इन स्कूल. And college we used to have fests and all of that, but last few years it's just we are not children anymore, so we don't really get the time to celebrate Children's Day. As you know that Lata ji is in hospital, she is not well. What do you like to say? Like, how would you like to camera. I would just you know, like to wish her speedy recovery and hope she bounces back soon. हाँ, इट्स ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड. वी हैड एन अनाउंसमेंट. वेरी एक्साइटेड. वी आर डूइंग आवर रीडिंग्स राइट नाउ. वी आर किक स्टार्टिंग द फिल्म नाउ इन नवंबर. मजावा के रिलीज के बाद शूट शुरू कर रहे हैं. सो इट्स फन. अभी वो साउथ वाली क्या होगा राहुल जी? विच साउथ वाली? बहुत सारी कर रहे हैं. नहीं नहीं, सोचो आप तब तक मैं ये आंसर करती हूँ. It's a rom-com space. It's a cross-border rom-com. So cross-border coming of age, I would say. India Pak. Indian 2 is going on. Wo bahut Shankar sir takes a lot of time, and it's a 2021 release. But how is it going on? Like, good, good, very well, of course, very well. So because it's fit and fab, I thought I better look fit and fab. It's an outfit by Norman Priyanji, and yeah. Thank you. Thank you. Hi. Fitness mantra, I think the main thing is to be happy, stay positive, and always have a certain routine going. It's very important to have a routine. Well, I'm excited. I'm winning an award, and winning an award is always a great feeling. Makes you feel good. What's your regime of like being fit? Like, you know, what kind of exercise you do? Well, basically, I try and watch my diet, and basically stay active. Got to do lots of cardio and hit the gym on a regular basis. Like I said, you got to have a routine. Maybe, but I can't discuss it right now. I'm planning something, but I'm not supposed to talk about it right now. Thanks. Thank you. Hello. How are you?
They would ask questions. Okay. Okay. Hi. Hi, how are you? Any thing I should speak of? So a lot of my life involves a lot of travel. My fitness routine is primarily, I just try to keep moving as much as I can. I don't get the chance to exercise constantly. But I also have come to realize over the years that like fitness also involves just trying to keep a happy, clean mind. And so I spent a large part of my life unlearning a lot of the things I learned and trying to learn new things that keep me happy, keep me clean and relatively fit. I don't do stuff that messes up my mind. And then, of course, the usual walking around, jogging, but nothing super intense, because for me, it's like everything involves just keeping a basic balance. Yeah. Sorry? I've just finished two series, but films, I just shot one in December, which is going to release soon. It's called Kadak. Hopefully, we'll get to see it soon. Thank you. Mantra. Okay, so I don't do too much. I know cliche it sound karta hai, but I think drink water, lots of water. I alternate between yoga, pilates, gymming. So main sab alternate karti hu, ye nahi ki sirf gymming aur sirf yoga, main sab thoda thoda karti hu. आप बताओ. आई डोंट नो, मतलब बहुत अच्छा ही मिल रहा है अभी तक. एटलीस्ट जो मिलेनियल्स हैं, जो यूथ है, वो बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक यूथ की स्टोरीज हैं. तो आप बताओ, बाकी आप लोगों ने देखा है क्या है? यू सॉ इट, कैसा लगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Hi. Yeah, one of my fitness runs, boxing away negativity. Ironic. What's up? Yes. मुझे भी इंतज़ार है. 29 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, सो आई थॉट सिंस आई एम द कमांडो गर्ल आई शुड कम इन द लुक.
So yeah, so you've given me a lot of love as Bhavna Reddy in part 2. So in part 3, I'm back as Bhavna Reddy. And you've given us a lot of love for the trailer. So I'm very excited now for the film. Well, I give her my best wishes and I pray for someone who's given our industry so much always. So a talent like hers, I think just prayers is what we can offer. So. You tell me, what do you think? Thank you. So since every time I do something different, you guys always give me so much love and you guys wait for, you know, what she's going to do next. So I thought since it's the Fit and Fab Awards, the dress should be fab and well, a little bit of fitness with the gloves. So, yeah. Thank you. Sure. Hi sir, कैसे हो? तो राहुल जी क्या फिटनेस मंत्र होता है आपका लाइक हम ऐसे बचपन में थे और बड़े हो गए तब के आप ऐसे क्या ऐसे ही सफेद हो गए मुझसे सब सफेद हो गया बाकी फिटनेस का जहाँ तक सवाल है सर यही है शौक है मुझे एक्सरसाइज करने का एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है अगर देखें ना लाइक हम जो है ना हम होमो सेपियंस हैं सो बायोलॉजिकली ये है कि हम दो पैर पे खड़े होने वाले प्राणी हैं और हम बने इसलिए हैं कि हम चलें मतलब ऐसा कुछ जो हमारा पीछे डार्विन से हुआ है ना पूंछ गई ऐसे चार से दो हो गए तो वी आर मेंट फॉर मूविंग So if you observe ना people who as they get older lifestyle होते हैं ना अभी अब जैसे बैठे हुए हैं आप तो सारा दिन भाग दौड़ करते हैं मगर normally जो offices में होते हैं वो क्या करते हैं कि काम ऐसा हो जाता है कि वो उतना movement नहीं रहता है बचपन में तो कैसे कुछ ना कुछ खेलते थे ना everybody plays something or the other so you lose that so I think I try and pick up one small thing every day which I find interesting anything other than the exercise ना anything interesting like a small sport It could be squash, it could be anything. So I think उसमें थोड़ा interest रहता है. Otherwise it's very boring ना वो ही करते हुए. तो बस यही है. Welcome sir. Fitness mantra, I think when you can inspire people and when you can get inspired, so that's the best thing you can do. And I totally believe that fitness is something that should come automatically. You know, it's like you get up, wake up in the morning and you brush your teeth. And it's the same way you should go to the gym. And these days, I would say you should always have one role model who should inspire you. And when you find that one, I think your job is done. Yeah. Lately, my wife has been my role model. Yeah, you know, she's a hardcore
you know, workout person. She goes very regularly, and she's the one who inspires me the most nowadays. So thank you. You know, I feel we all need to pray for a speedy recovery, and she should get well very, very soon. And I'm sure, you know, lots of wishes are with her, and she'll recover soon and come back fit and fine. Yeah. Thank you. Thank you. I think fitness mantra ये होना चाहिए कि you should love yourself. And जैसे मैंने इनसे पहले भी कहा था, I think fitness सिर्फ health body का नहीं होता, but mental भी होता है. And I think मेरा मंत्र ये है कि the body and mind both should be fit. And दोनों का जो बैलेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज माई मंत्र. थैंक यू. थैंक यू. दो मैं इतनी फिट हूँ नहीं, बट लगता है लोगों को. तो आपने मंत्रा तो शेयर किया, पर जो लोग आपको थैंक यू सो मच. बट आई थिंक लाइक आई सेड, इट्स मोर इन द माइंड, एंड आई डू वॉन्ट टू बी हेल्दी. And I want to be fit, not just thin, I want to be fit. You know, we saw very old pictures of yours, you said you used to have poodles of ghee and rice. So can you imagine? No, I realized I'm lactose intolerant. Sad. I love ghee and I can't have it now. Yeah? Just like you have come here, Lata ji is in hospital and she's not well. What do you have to say about this? So, you know, really not the right place to say it right now, but she's a national treasure. Okay. No, I think she's a national, she's asking me this girl. She's a national treasure, and I really hope she gets well. हेलो, कैसे हो आप? कभी सोते हो? मेरा फिटनेस मंत्र इज टू वर्क इट अप, व्हिच इज माय ब्रांड न्यू शो, बट इट्स आल्सो कंसिस्टेंसी, एक हेल्दी पॉजिटिव लाइफस्टाइल. तो मेरा यही मानना है. तो इट फील्स रियली गुड टू बी हियर. पिछले साल मैं होस्ट कर रही थी, एंड दिस ईयर आई एम विनिंग. इट फील्स रियली नाइस.
जी एक्चुअली मेरा शो इतना एक्साइटिंग है बिकॉज पहली बार एक ऐसा शो आया है जो फिटनेस और चैट शो का मेल है और इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आए हैं एवरीबडी फ्रॉम मलाइका टू शिल्पा शेट्टी वानी कृति रकुल और हर एक का फिटनेस मंत्रा थोड़ा अलग है बट दे ऑल वेरी डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग गर्ल्स और जो लोग मेरा शो देख रहे हैं आई थिंक इट्स डूइंग सो वेल बिकॉज पीपल आर नॉट ओनली गेटिंग एंटरटेन बट आर लर्निंग सो मच एंड स्टिल सम वेरी एक्साइटिंग गेस्ट टू कम सो स्टे ट्यून्ड सम फन स्टफ She's a absolute national treasure. Bas yehi dua hai ki she recovers very quickly, and I'm sure she will, inshallah. I heard that she should be home soon, so I'm praying that she is. Thank you. Yes. Start on your left and right. Yes. Doing it. Abola. Why did we all like? I know. Hi. Yes, here. Waiting for her. She's petrified of gum, so I'm waiting. Well, she doesn't actually. So am I. I've got petrified. Just feel at no, the no, back. No, no, you're doing fab. हाँ जी हम आ रहे हैं और मैडम इनका भी congratulations Parinita you'll have never won yeah okay they want to do a mala Be careful. Hang on. Come. Okay, no one's gonna trample on you. Come on. Oh. Acha, bye. I've done my bike. Yeah, just ask my photo. We'll finish our bikes. Okay. Okay. Thank you. Fitness mantra? I don't think koi mantra hai. I think you should just lead a healthy and a fit life. I think mere liye bas wahi kafi hai. Agar aap life ek disciplined aur ek fit tarah ke agar aap raho to wahi kafi hai. I think same. एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए कुछ फैड नहीं होना चाहिए कि आज मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगी और कल नहीं तो इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल और माय सिस्टर्स अ लिविंग इंस्पिरेशन रोज तो मेरे आँखों के सामने वो जो योगा और जिम और वो सब होता है तो आई डोंट थिंक मौका मिलता है कि बंक करे तो या वी इंस्पायर ईच अदर चीट इन माय डाइट आई थिंक वी आर वेरी They're very flexible. I don't believe ki
firstly we don't starve, we're not the kind of sister, we eat everything. She eats a lot. And so do, and so do you. So koi cheat karne ki zarurat hai hi nahi. But if we have to on that one day, then I think we go crazy with desserts. No, me it would be like pasta, chole kulche, pizza, all of that. Desserts, mainly desserts. Hers is desserts, yeah. Okay, so beautiful, beautiful outfit hai aapka. Your outfit? Oh. I don't know who I'm wearing. We always forget. I've forgotten. Yeah, she's wearing. Yes, you got it right. Full marks. Yes. Do you know, for Children's Day, so, It's not tomorrow, is it? Yes, tomorrow's 14th November. Yeah, yeah, I'm thinking today's 12th. Yes, Memories, Nehru, of course. I might have to borrow one of yours. Yeah, please. Children's Day, I think, पहले तो सब बच्चों को आई थिंक एक बहुत ही हैप्पी चिल्ड्रंस डे. आई थिंक मुझे सिर्फ यही याद है जब अमू छोटी थी बहुत ही शरारती थी. एंड कुछ बदला नहीं है? नहीं नहीं, अभी काफ़ी जी वही मैं कह रही हूँ कि ये सबसे शरारती थी और अब थोड़ी बहुत काम डाउन हो गए, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन मुझे याद है मैं बहुत ही चुप रहती थी और ये बहुत बातें करती थी. That hasn't changed. Yeah. Abhi tak. Badalna nahi chahiye. Ha, so memory, it's always been like going, doing something. And now, of course, you know, hum log ke khud ke bachche hai, so to make it special for them is very important. I think they're amazing parents. I think they make it special every day for their kids. I have some catching up to do. But filhal, you can borrow Amu's kids. And I'll borrow one of Amu's kids and celebrate like that. But happy Children's Day to all of you. Happy Children's Day. Happy Children's Day. Thank you very much. Thank you. To get well soon, obviously. I think she is somebody who we've all grown up listening to. So yes, we definitely wish her a speedy recovery, and to her and her family as well. Thank you. Thank you. Loud है ना? कोई नहीं. Hello, hi, hello. My fitness mantra. I think the main fitness mantra is that work out. That's one thing that I would definitely say. I've just turned to yoga, so that's a new thing that I'm doing. So I'm very excited to see where that's taking me. So yeah. That's actually Deanne has somehow put me into that. Yeah. Thank you. Can you tell us about your upcoming projects? My upcoming projects, I cannot tell you yet. I have to tell you in January. We have started shooting for my film, but unfortunately I can't tell you yet which one it is. But soon. Thank you. Careful, the wires.
एक्चुअली यू नो मैं बहुत एक्सरसाइज कॉन्शियस हूँ, डाइट कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ. मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करती बिकॉज आई फील अगर आप डाइटिंग करते हैं तो बहुत फटीग लगते हैं, थके थके से लगते हैं और आपकी स्किन पर आपके बालों पर दिखता है. तो मैं बिल्कुल डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ. आई ईट वट एवर लाइक एवरी थिंग यू नो, बट आई डू एक्सरसाइज. आई थिंक फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो आई थिंक हेलो तो मैं बिल्कुल आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ. बस आप लोग एक्साइटेड हो, सो दैट इज ऑडियंस एक्साइटेड होनी चाहिए. और बहुत पॉपुलर गाना था एंड हमने वी हैव रिक्रिएटेड इट एंड ऑलरेडी टिकटॉक पे तो मतलब इतने ज़्यादा वीडियोस बन गए. जब मेरे नच बलिए में मैं गई थी परफॉर्म करने, प्री बहुत काफ़ी पहले गई थी, जो थोड़ा सा टीज़र डालने के लिए, तो ऑलरेडी तब से बहुत ज़्यादा बज क्रिएट हो गई है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. किस पे? हाँ जी हाँ जी 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 जी. आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ स्पीडी रिकवरी. शी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर इनकम्प्लीट विदाउट हर. शी इज़ अ लेजेंड और उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है वो मतलब उनकी लेगेसी जो उनकी है ऑलरेडी. हो गया. अच्छा सर, अरे हाँ सर बोलिए. हाँ जी फिटनेस मैन इन इंडस्ट्री अक्षय कुमार. अक्षय कुमार जो हैं वो हमारे इंडस्ट्री की सबसे फिटेस्ट है वो मेरे हिसाब से. ही इज़ द फिटेस्ट गाय. एंड और कौन है फिर? शायद ही इज़ वेरी फिट. एंड रणवीर वेरी वेरी फिट. हर्ष माय सन हर्षवर्धन कपूर ही इज़ वेरी वेरी फिट वेरी फिट. मैं उनके बाद No, she's much better now. She's much, much better. And she's, God is great. And she's absolutely recovering and she'll be back home. अरे चिल्ड्रंस डे की मेरी मेमोरी जो होती थी कि चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू साहब ने जी आई शुड लव हिम ग्रेट लुकिंग प्राइम मिनिस्टर गुलाब का फूल वेरी वेल ड्रेस्ड इन्हें देख के अच्छा लगता था खुशी होती थी एंड वी शुड लुक फॉरवर्ड टू चिल्ड्रंस डे एंड एंड वी हैड लॉट ऑफ आई हैव गॉट रियली गुड मेमोरीज ऑफ चिल्ड्रंस डे इन माय व्हेन माय स्कूल आई वाज इन माय स्कूल. या ओके अनीशा आपने जो भी मूवी किया बहुत ही लोगों का प्यार दिलाया
ये मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली हुआ 30 इयर्स ऑफ परिंदा एंड 31 इयर्स ऑफ तेजाब एंड बोथ द फिल्म्स वर वेरी वेरी स्पेशल. परिंदा यू नो आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसका संगीत याद करते हैं. तेजाब को भी आज भी याद करते हैं, उसका संगीत, उसकी परफॉर्मेंसेस. एन चंद्रा, विनोद चोपड़ा, आई थिंक उनके करियर की बेस्ट फिल्में हैं. एन चंद्रा की बेस्ट फिल्म मुझे लगता है तेजाब है और विनोद की आज तक की बेस्ट फिल्म परिंदा. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ देयर टू बेस्ट फिल्म. डन डन. खत्म करने का फोटोज एस के दे वाना शूट किया साथ में बाइक पे करते हैं. हां जी ओके. पहले तो आप लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो. थैंक यू सर. थैंक यू. सो क्या फिटनेस मंत्र होता है आप लोगों का कैसे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल दिखने के लिए? क्यारा आप अपने आप अपना बता दो. क्यारा के बहुत ही मैं क्यारा को बताता हूँ आपको. क्यारा के बहुत ही यूनिक न्यूट्रिशनल आइडियाज़ हैं. वो बहुत नई नई डिशेस, बहुत अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स को अलग अलग तरीके से पका के, जिसमें ना तेल हो, ना नमक हो, ना टेस्ट हो. वो इसलिए कह रहे क्योंकि फर्स्टली मेरा खाना इनके डब्बे से आता था जब हम कबीर सिंह के शूट कर रहे थे. जी. सो ही इज reminiscing that and remembering how इन्होंने मेरे कुक के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया उनको कि फिल्म ख़त्म होने के बाद वो मुझे छोड़ के चले गए. उन्हें कमी महसूस हुई उस प्यार की. He's listening so seriously. He's like so interested in his cook's food. At least he's interested rather than sleeping. This is committed to his job. Good genes and a lot of workout and healthy food. And I was really lucky that I had a costa like Shahid because इनके घर से जो खाना आता था बहुत ही diet friendly, healthy, but फिर भी tasty था. So that's why he's remembering the good old days of our good food days. Yeah. And you know, बहुत ही beautiful outfit है आप लोग का. Thank you. Who are you wearing, Shahid? It's really cool. I like the look today. I'm wearing Sahil Aneja and I'm styled by Anisha Jain. And Kiara, who are you wearing? I totally forgot who the designer was, but I'm styled by Manika. And in case you want to know who's designed her, just go on her Instagram page and you will see the tag. And you know, Shahid, tomorrow is Children's Day. Tomorrow is Children's Day. Children's Day? मैं तो अपने बच्चों के साथ मनाऊंगा. आप किसके बच्चों के साथ मनाएंगी चिल्ड्रंस डे? मेरी मम्मी के पास एक स्कूल है. शी रन्स अ प्ले स्कूल. तो आई एम गोना गो टू हर स्कूल. यू नेवर टोल्ड मी योर मॉम हैज अ प्ले स्कूल. या आई टोल्ड यू बट आई सेड वेरी फार फॉर योर. नेवर टोल्ड मी. सो डू यू गो एंड प्ले विद दोस बेबीज? आई यूज्ड टू एक्चुअली टीच. आई यूज्ड टू एक्चुअली टीच. आई हैव चेंज्ड डायपर्स. आर यू दैट शेडी आंटी हु द किड्स से ये कौन है? जस्ट शट अप. ओके शायद सर आपको बहुत ही पसंद गया है आपकी जो रिसेंट मूवी थी कबीर सिंह और ये साल की सारी जो अवार्ड्स हैं वो कहना है कि आपको ही मिलने वाले हैं. तो क्या कहना चाहिएगा? कितना अच्छा फील करते हैं? आई मीन देखिए अवार्ड सीजन जब शुरू होगा तब देखेंगे. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द लव दैट द ऑडियंस गेव द फिल्म और वी बोथ आर एब्सोल्युटली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड वी हैव सेड ऑल दैट वी हैड टू से अबाउट हाउ मच लव कबीर सिंह गॉट एंड या सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल.
वो तो आप बताओ. नो ऑफ कोर्स हाफ द टाइम्स आई पोस्ट एनी पिक्चर्स. वो कियारा जब भी कुछ फोटो पोस्ट करती है तो क्या बोलते हैं लोग? तो एक पहला एक पिक्चर मेरा आएगा, उसके नीचे शाहिद का बाइक वाला. कोई इसे टच नहीं करेगा, किसने टच किया हिम राइडिंग. सो आई थिंक दोस मीम्स आर स्टिल रियली मेकिंग अस हैप्पी. Wishing her all the best of health recovery. And a speedy recovery and yes. And you know she's a legend and we wish her just really really good health and all our love. You're playing a cricketer in your next. Yes. How is that coming? Are you getting? Yeah, you know I used to think that I'm a really good cricketer because I used to play in school. I used to open for my school and all. I forgot the fact that there has been a long gap when I've not played cricket. You know, it's fun to play cricket when you just do it like that, but when you're playing a cricketer in a film, you need to get the technique right and you need to dedicate a lot of time to it. So I'm trying my best to give it as much time as I can because I think we are in a time where authenticity is very important. I don't think as an actor you can get away, you know, without being very convincing about playing a sports person. So I'm trying my best to get as close as I can. I'm padded up and I'm practicing every day with a season ball and with all the gear. And yeah, so jersey will come out next year in August. So yeah. Sorry? My favorite cricketer? I have a lot of favorites. I think Sachin Tendulkar is everybody's favorite. Mahinder Singh Dhoni is the finest captain we've had, and in current times, I think Virat Kohli is an inspiration to everybody. And a special mention, obviously, to Yuvraj for the fact that he fought cancer and came back. I think that's very inspirational. Okay, Shashi, any particular fitness where you feel you know that is the very toughest thing? Way Kiara, Kiara's way. Kiara's way of staying fit is very tough. She's a very dedicated girl, and she's very committed to the cause of fitness. And I'm very inspired by Kiara, and I hope that I can follow in her footsteps. Done. Shai, Shai, I'll send you my diet. But you're really committed. Shai, Shai, even there's D3 coming out next year, which is based on the same subject, which is cricket. And we are playing a cricketer. There are comparisons which are bound to happen. How are you ready to? Yeah, I mean, one is aware that there are two cricket films coming out next year. There might be a third also, we never know. 83 is a wonderful subject and I wish them all the best. I mean, it's about India triumphing at the 83 World Cup and that's something everybody wants to watch. Jersey is a very personal film. It's a human journey and it touched me deeply. It's a very emotional film. So I'm guessing both films must have their own individual identity and I'm looking forward to seeing 83, definitely. We just started. The main chunk of the film will start in January. I'm very, very excited to start that film. But before that, I'm fingers crossed good news is coming out. So now gearing up for that. Okay, Shashi, you also got a disruptor of the year. So what is that about? Disruptor of the year. Well, I guess Kabir Singh was the disruptor of the year. He's a disruptive personality and he disrupted Preeti's life also for a certain period of time. But yeah, Kabir Singh was definitely a film that went beyond everybody's expectations. And this kind of disruption is good. Let's hope we can continue next year as well. Thank you.